ठीक है सो लेट्स स्टडी अ चैप्टर दैट इज़ लेसन नंबर एट विच टेल्स अज अबाउट हाउ टू सेव द एनवायरमेंट हमारा जो पृथ्वी है धरती है या हमारे आसपास का जो वातावरण है वो दिन ब दिन कलुषित या प्रदूषित होता जा रहा है किसी ना किसी वजह से हम कहीं ना कहीं से जाने अनजाने उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को और किस तरीके से हमें उसे सेव करना है सो लेट्स बिगिन द चैप्टर वॉट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन देन वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से तरीके के प्रदूषण हैं वे इज हाउ टू स्टॉप द पॉल्यूशन और टू कंट्रोल द पॉल्यूशन और राइट एंड लास्टली हाउ टू मैनेज द वेस्ट Before we begin with the chapter, let's look at these two pictures. Can you see in one the earth is quite flowering, it is happy, cheery, happy, and another one the earth is burning, it's crying. Alright, you have to develop slogans for them. Apko dono pictures killagalak slogans like. Which picture tells you about the present state of our planet, gives reasons. अगर आज का या प्रेजेंट स्टेट हम पता करें अर्थ का तो बेसिकली सेकेंड पिक्चर इज द करेक्ट पिक्चर दैट शोज़ द सिचुएशन ऑफ अर्थ राइट नाउ अभी हमारी धरती पे कई सारी प्रॉब्लम्स है जैसे बहुत सारे तरह तरह के पॉल्यूशन है जो कि अर्थ को किसी ना किसी नुकसान की तरफ धकेलता जा रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है पेड़ कटते जा रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारी प्रकृति है या हमारी मदर अर्थ है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और राइट वी हैव टू ब्रिंग हर बैक टू दिस स्माइलिंग कंडीशन हमें उन्हें वापस से इस कंडीशन में लेके आना है चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है ह्यूमन बींग्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनवायरमेंट और जो ह्यूमन है यानी मनुष्य है ये वातावरण को ठीक रखने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है द वर्ड क्रूशियल मीन्स अ इम्पॉर्टेंट रोल ठीक है दे इन्हेबिट रिलाइंग ऑन इट्स रिसोर्सेज वाइल को एग्जिस्टिंग विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम जो अपना जीवन जीते हैं वो कम्प्लीटली अर्थ जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं उन्हीं के ऊपर बेस करके हम लोग जीते हैं और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अकेले नहीं जी रहे हैं हमारे साथ और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे साथ इसी धरती पर को एग्जिस्ट करते हैं यानी हमारे साथ ही जीते हैं हाउ एवर द मैनर इन विच ह्यूम इंटरक्ट विद द इन्वायरमेंट हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज इंक्रीज कम्फर्ट मॉडर्न लाइफ स्टाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अ बूमिंग पॉपुलेशन लेकिन ये एक गौर करने का दिव बात है क्या है गौर करने वाली बात गौर करने की बात यह है कि हम जो ह्यूमन से यानी मनुष्य जो है अपनी सुविधाओं के लिए या अपने सुख के लिए अलग अलग तरह के चेंजेस कर रहा है एनवायरनमेंट में जो कि बेनिफिशियल नहीं है हर चीज़ प्रकृति के फेवर में नहीं है हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडाप्ट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं हम इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है या प्रकृति को बचाना है और राइट दिस आर्टिकल एक्सप्लोर्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन हाईलाइटिंग देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन अर्थ इकोसिस्टम तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम पोल्यूशन यानी प्रदूषण के अलग अलग तरीके पढ़ेंगे और किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं हम वो भी पढ़ेंगे पॉल्यूशन पॉल्यूशन रिफर्स टू अ कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी डिजॉर्डर एंड हार्म टू फिजिकल सिस्टम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स द हार्मफुल मटीरियल सच एज स्मोक और गार्बेज दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूट्स यानी कि पॉल्यूशन क्या है पॉल्यूशन एक तरह से नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट करना है इसमें क्या होता है कि हम एक तरह से कंटामिनेट कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी को या प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं उनमें कुछ ना कुछ हम हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है ठीक है द सच एज स्मोक और गार्बेज दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स यानी ऐसे हार्मफुल पदार्थ जो कि हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं जैसे कि गार्बेज यानी कूड़ा करकट -कर या फिर धुआँ स्मोक ठीक है ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है द ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन आर सम इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटिंग आवर एन्वायरमेंट ईच ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन पोजेज यूनिक चैलेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर बोथ द एन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन सिर्फ प्रकृति को नुकसान दे रहा है इनडायरेक्ट वे में हम कहीं ना कहीं अपने आप को यानी मानव जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि प्रकृति से ही तो हम जी रहे हैं प्रकृति ही हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है हमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं हम लाइफ को जीने के लिए पेड़ पौधे जीव जंतु हवा ये सब हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है राइट अगर यही सारी प्रदूषित हो जाएंगी तो फिर प्रदूषण के वजह से हम इन चीज़ों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अगर इन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा हमारी ही लाइफ को नुकसान होगा हम ही रिस्क पर आ जाएंगे इंटरप्रिटेशन ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ़ अर्थ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थ में जब एक्सेस में बढ़ जाती है तब अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो दिन ब दिन इंक्रीज होने लगता है दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन अब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को जानेंगे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन सच एस एयर वाटर, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन तो हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे एयर पोल्यूशन ऑकर्स वैन हार्मफुल गैसेज मिक्स विद अदर पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर जब हार्मफुल यानी ख़तरनाक भयानक गैसेज जो हैं या डिफरेंट डिफरेंट ख़तरनाक केमिकल्स और गैसेस जो हैं मिक्स हो जाती हैं एटमोसफेयर में उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं वाइल नेचुरल फिनिना सचैस सैंडस्टॉम्स फॉरेस्ट फायरस वॉल्कैनिक इप्शन एंड पॉलन रिलिज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द प्राइमरी कॉज ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही सिर्फ पॉल्यूशन कॉज करते हैं कई नेचुरल प्रोसेस भी हैं जैसे सैंडस्टॉम हो गया वॉलकैनिक इरप्शन हो गया फॉरेस्ट फायर जो धुआँ छोड़ती है वो हो गया इन सब की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी हम लोग मनुष्य जो काम करते हैं उससे सबसे भारी मात्रा में जो है वायु प्रदूषण हो रहा है ठीक है बर्निंग ऑफ़ फॉसल फ्यूल्स रिलीजेस गैसेज एंड हार्मफुल केमिकल्स इन टू द एयर जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल पेट्रोलियम डीजल ये कोल कार्बन्स ये सब फॉसल फ्यूल्स और इनको जलाने से जो है हार्मफुल गैसेज जो है रिलीज होते हैं ठीक है फ्यूम्स फ्राम व्हीकल्स फैक्ट्रीज एंड बर्निंग गारबेज पॉल्यूट द एयर फैक्ट्रीज़ का धुआँ हमारी जो गाड़ियाँ हैं व्हीकल्स का धुआं ठीक है ये सब जो है एयर को पॉल्यूट कर देता है यानी प्रदूषित कर देता है दिस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन लीड्स टू न्यूमरस हेल्थ इश्यूज़ इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लंग डैमेज एंड डिजीजेस ऑटोमेटिकली हम जब इस प्रदूषित हवा को ही लेते हैं सांस लेते हुए ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तब ये हमारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर जाता है हमारे लंग्स हमारे जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और हमें वेरियस डिजीजेस से जूझना पड़ता है इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन यानी पानी किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है वाटर पोल्यूशन कैन बी कॉज बाय बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रीजंस यानी बहुत सारे नेचुरल और ह्यूमन मेड फैक्टर्स है जो कि वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं नेचुरल फैक्टर्स सच एज टॉम्स रिजल्ट इन डिजोल्यूशन ऑफ मड सॉइल एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स इन वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर कंजम्पशन जब बहुत तेज़ तूफान चलता है तो मिट्टी और बाकी कूड़ा करकट जो है उड़ के पानी में मिक्स हो जाता है जो कि पानी को कंटामिनेट या इम्प्योर कर देता है और उस पानी को हम पी नहीं सकते इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ आल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल वाइल वाटर पोल्यूशन इज कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट हाउस होल्ड वेस्ट सब कुछ कहाँ जा रहा है ओशन्स में जा रहा है देखो कितना गार्बेज वाटर्स प्लास्टिक वाटर्स बॉटल्स केमिकल्स सब कुछ जो है पानी में है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान दे रहा है ठीक है सो दैट इज़ वाई वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल सो बच्चों जैसा हमने देखा कि नेचुरल फॉर्म में भी कई बार वाटर पोल्यूशन हो जाता है लेकिन ह्यूमंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पानी को प्रदूषित करने में एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर फैक्ट्रीज़ में से जो केमिकल्स हैं हाउस होल्ड वेस्ट है जो गंदा पानी है वो प्लास्टिक बॉटल्स कैंस और पता नहीं क्या क्या सारा कूड़ा करकट जो है नदी नालों में जाकर जमा हो जाता है दीज ऑल आर पोल्यूटिंग द वॉटर बॉडीज़ ये सभी वाटर को प्रदूषित करने में कुछ कम नहीं है और राइट सो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं एवरी डे एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग क्लोथ्स और बाद एनिमल्स इन द रिवर्स इन रूरल एरिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन अब जो रूरल एरियाज हैं यानी गाँव के एरियाज हैं वहाँ पर क्या होता है लोग जो है आ, रिवर्स में ही या नदी नालों में ही कपड़े धोने चले जाते हैं ऐसे ही वो अपने जो एनिमल्स हैं डोमेस्टिक एनिमल्स गाय भैंस उनको भी रिवर्स में ही नहला देते हैं तालाब में या फिर नदी में तो वो भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन करता है क्योंकि सारे जो डर्ट है जो मैल है जो जर्म्स है वो उस पानी में चला जाता है ठीक है ऑयल स्पिल्ड फ्रॉम शिप्स इन टू द ओशन ऑल्सो कॉल्ड कॉज पोल्यूशन जो शिप्स है बड़ी बड़ी जो नाव है उसमें से भी जो एक तरह से ऑयल लीक हो रहा है वो भी कई बार वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन लीड टू डिजीजेस एंड जॉन्डिस टाइफॉइड एंड गैस्ट्रोनोमेट्रीज ऐसा कंटामिनेटेड पानी पीने से हमें तरह तरह के डिजीजेज़ हो सकते हैं जैसे कि जॉन्डिस टाइफॉइड एंड गैस्ट्रो एंटेटिस ठीक है इस तरह की अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं और राइट सो so इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो है कम से कम पानी को प्रदूषित ना करें वाटर पोल्यूशन नॉट ओनली एफेक्ट्स बट ऑल्सो डिटरमेंटिव इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है एनिमल्स कंज्यूमिंग पॉल्यूटेड वाटर ऑल्सो बिकम सिख और कई बार तो वो बीमार होने की वजह से मर जाते हैं राइट लैंड पॉल्यूशन तो अब हम पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन के बारे में ठीक है यानी जो सॉइल है वो भी पॉल्यूट होने लगी है किस तरीके से When harmful substances enter the soil due to human action, it is called land pollution. Non-biodegradable waste such as plastics from houses, schools, hospitals, markets and workplaces cause land pollution. आप देख रहे हैं कितनी क्वांटिटी में प्लास्टिक प्लास्टिक बैग्स और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो हैं इस जगह पे डंप कर दिए गए हैं और यही कहीं ना कहीं लैंड पोल्यूशन काज करते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हो पाते ठीक है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स बाय फार्मर्स ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है और राइट लैंड पोल्यूशन कैन कॉज स्किन डिजीज एंड हार्म डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड किडनी डिजीजेज इन ह्यूम ठीक है लैंड पोल्यूशन स्किन डिजीजेस कॉज कर सकता है और साथ ही में ब्रेन और किडनी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है क्लियर नेक्स्ट वी हैव नॉइज़ पॉल्यूशन विच इज़ अनदर कॉमन टाइप ऑफ पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण नॉइज़ पोल्यूशन पोज इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द एनवायरमेंट इट रेफर्स टू द एक्सेसिव एंड अनवॉन्टेड साउंड इन द एटमोसफेयर कॉजिंग डिस्टर्बेंसेज एंड एडवर्स इफेक्ट यानी बहुत तेज आवाज यानी रेंज नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा लाउड वॉइसेस या फिर अननेसेसरी वॉइसेस जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट करती है हमारे आसपास के वातावरण में ठीक है ह्यूमन बींग्स कैन डिटेक्ट साउंड एज सॉफ्ट ट्वेंटी डिसिबल्स वाइल द साउंड लार्दर लार्जर देन या लाउडर देन नाइन्टी डिसिबल्स कैन बी हार्मफुल टू यर्स हमारे जो कान है वो काफ़ी सेंसिटिव है हम 20 डेसिबल से 90 डेसिबल्स के बीच के साउंड रेंजेस को अच्छे से सुन सकते हैं लेकिन 90 डेसिबल्स से ऊपर के जो साउंड्स हैं अगर हम वो सुनेंगे तो वो हमारे कान के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है ठीक है नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी कॉज बाई वेरियस सोर्सेज किस किस चीज़ से नॉइज़ पोल्यूशन होता है कार्स एरोप्लेन्स बसेस लाउड स्पीकर टेलीविजन म्यूज़िक सिस्टम्स एंड मशीन्ज़ एंड फैक्ट्रीज़ इन सभी से नॉइज़ पोल्यूशन होता है कभी आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं क्या आपने देखा है किस तरीके से सारी कार्स हॉन्किंग करती हैं हॉर्न बजाती हैं कई बार उसकी वजह से सर में भी दर्द होने लगता है और राइट तो दिस इज़ ऑल्सो नॉइज़ पोल्यूशन आपके घर के आस कोई फंक्शन हो रहा है कोई प्रोग्राम हो रहा है और लाउड स्पीकर पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाना बज रहा है शायद किसी के घर में कोई बीमार हो या कोई छोटा बच्चा हो जो इस आवाज को सह नहीं पा रहा हो जिस जो ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पा रहा हो तो ये भी नॉइज पोल्यूशन है ठीक है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज लेवल्स कैन रिजल्ट इन हियरिंग लॉस डेफनेस स्ट्रेस इरीटेशन हेड एंड इवन स्लीप डिस्टर्बेंसेस अगर आप लगातार इस तरह की ऊंची साउंड्स को सुनेंगे या फिर नॉइज पोल्यूशन से रोज आ, आप इंटरेक्ट करेंगे मतलब रोज नॉइज़ पोल्यूशन आपके आसपास होगा तो फिर आप या तो सुन नहीं पाएंगे आप बहरे हो जाएंगे डेफ हो जाएंगे या फिर आपको सीवियर हेडेक होगा मेमोरी लॉस होगा ब्रेन के सेल्स काम करना बंद हो जाएंगे स्लीप डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकता है ऑलराइट? Right? अब क्योंकि हमने बहुत सारे पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है तो हमें ये पता चल गया है कि पॉल्यूशंस जो हैं किसी भी फॉर्म में हानिकारक हैं तो किस तरीके से हम लोग पॉल्यूशंस को रिड्यूस कर सकते हैं या हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं वो कौन से तरीके हैं आइए पढ़ते हैं टू सेव अवर अर्थ वी शुड लर्न द वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड टेक केयर ऑफ अवर एनवायरमेंट ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम खुद ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमारी पृथ्वी को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रदूषण रोकना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए व्हीकल्स मस्ट अंडरगो रेगुलर पॉल्यूशन टेस्ट पॉल्यूशन चेक करवाते रहना चाहिए व्हीकल्स का ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्रूव टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन कार पूल्स शुड बी इंकरेज कार पूलिंग क्या होती है कि सब लोग अपनी अपनी कार ना लेके अगर आप आस पास रहते हैं कम्युनिटी में तो एक साथ ऑल्टरनेटिवली लोग कार पूलिंग करें मतलब कोई एक जना अपनी कार निकाले और सब कुछ लोगों को लिफ्ट दे दें फिर दूसरा जना दूसरे दिन अपनी कार निकाले और लिफ्ट दे दे इससे व्हीकल्स का नंबर कम होगा और पॉल्यूशन का भी रिडक्शन होगा इसके अलावा फैक्ट्रीज शुड बी बिल्ट आउटसाइड द सिटी लिमिट्स यानी शहर के बाहर ही फैक्ट्रीज़ को ग्रो करना या फैक्ट्रीज़ को बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट्रीज़ में से जो हार्मफुल स्मोक आएगा वो वरना सिटी को पॉल्यूट कर देगा ऑल राइट हाउ टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन को कैसे कर्व या कंट्रोल कर सकते हैं फैक्ट्री वेस्ट शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन टू वॉटर बॉडीज ये देखना बहुत जरूरी है कि फैक्ट्री में से जो वेस्ट है केमिकल्स है वो वाटर बॉडीज में ना जाए शिप मस्ट फॉलो सेफ्टी नॉर्म्स टू एंश्योर दैट देयर आर नो केसेस ऑफ ऑयलज इन टू द ओशन और सी शिप को अच्छे से अपना डैमेज चेक कर लेना चाहिए शिप में कोई भी ऐसा लीकेज नहीं होना चाहिए जिससे कि ऑयल जो है ओशन या सी में लीक करे हाउस होल्ड वेट शुड नॉट बी डम्प्ड इन टू बॉडीज सच एज रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड और ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपना घर का जो कूड़ा करकट है वो रिवर्स लेक्स या पॉन्ड्स में डम्प नहीं करना है लैंड पोल्यूशन रोकने के लिए वी शुड ऑलवेज स्टिक टू दीज पॉइंट्स वॉट आर दीज देयर शुड बी अ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजबल सिस्टम प्रॉपर तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए बायो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग कर देना चाहिए ठीक है मोर ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड जितना हो सके उतना ट्रीज प्लांट करना चाहिए यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथिन बैग्स फॉर एनी पर्पज मस्ट बी स्टॉप्स एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल यानि प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए इनका यूज़ बैन कर देना चाहिए रोक देना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले क्योंकि ये जो है डिकम्पोज नहीं होते ठीक है नॉइस पोल्यूशन को कैसे रोकें इन फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज साउंड प्रूफ रूम शुड बी बिल्ड फॉर नॉइजी मशीन्स जिस जगह पे बहुत ही नॉइजी मशीन है वहाँ पे साउंड प्रूफ रूम बनवा देना चाहिए ताकि नॉइज़ जो है बाहर लोगों को दिक्कत ना करें यूज़ ऑफ़ लाउड हॉर्न्ड वहीकल प्रोड्यूसिंग नॉइज शुड भी बैन ऐसे व्हीकल्स जिसमें बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न है इन व्हीकल्स को बैन कर देना चाहिए या हॉर्न्स का जो डिसेबल है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देना चाहिए फैक्ट्रीज एयरपोर्ट बस एंड रेलवे स्टेशन शुड बी बिल्ट अवे फ्राम रेजिडेंशियल एरियाज़ फैक्ट्रीज रेलवे स्टेशन बसेज एंड एयरपोर्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है और ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है उन चीज़ों को रेसिडेंशियल एरियाज़ यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उन जगहों से दूर बनाना चाहिए ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ़ अर्थ्स ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर इज़ डिस्ट्रॉयड इस हमने पॉल्यूशन के ऊपर इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है तो इसके बाद हमें ये भी पता कर लेना चाहिए कि फ़िफ्टी परसेंट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट कवर यानी नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं, उसका आधा हिस्सा जो है इसी पॉल्यूशन के चलते डैमेज हो चुका है ऑलरेडी वेस्ट मैनेजमेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी चीज़ को किसी भी पोल्यूशन को रोकने के लिए सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी तरीका है वो है वेस्ट मैनेजमेंट करना यानी जो कूड़ा करकट -कर -कर निकल रहा है उसको ठीक से डिस्पोज करना और वो तभी होगा जब हम वेस्ट मैनेजमेंट सीखेंगे तो आइए इसके बारे में जानते हैं इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टूडे दैट वी मैनेज एंड डिस्पोज वेस्ट रिस्पॉन्सिबली वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल के नाम से जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज़ टू बी रिसाइकल्ड एंड री जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है क्योंकि वो डिकम्पोज तो हो नहीं पाता इसीलिए उसको रिसाइकल करने के तरीके ढूंढने हैं और री करने के तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे कैन यू सी टू डस्टबिन द ब्लू वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो सकता एंड ग्रीन डस्टबिन इज फॉर बायोडिग्रेडेबल यानी जो डिकम्पोज हो सकता है हेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दट थ्री आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट वॉट आर द्री आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट द थ्री आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आर रिड्यूस रीयूज एंड रीसाइकल ठीक है ये तीन आर है जिनको हमें हमेशा याद रखना है सबसे पहले आते हैं रिड्यूस पर रिड्यूस का मतलब होता है हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनका कम से कम यूज़ करें यानी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना यूज़ करें जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे अननेसेसरी वेस्टेज ना करें वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूज़ द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि ये कम मात्रा में अवेलेबल हैं It would help in reducing air pollution. Our resources are too limited to be wasted. हम हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि हम उनको वेस्ट कर सकें ठीक है So their consumption should be reduced accordingly. जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही उससे ज़्यादा नहीं इसके बाद रीयूज़, जितना हो सके किसी चीज़ को रीयूज़ कीजिए ठीक है वी मस्ट ट्राई टू यूज़ प्रोडक्ट्स एज मच एज पॉसिबल दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम्स वुड कंज्यूम मोर एनर्जी एंड रिसोर्स नई चीज़ें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज की ज़रूरत है इसीलिए जो हमारा रिसोर्स है उसको जितना हो सके उतने तरीके से हमें यूज़ कर लेना चाहिए फॉर एग्जाम्पल द पेन्स वी यूज टूडे आर मोस्टली नेवर रीफिल्ड वंस वी थ्रो देम एंड बाई न्यू वंस इट शुड बी केप्ट इन माइंड दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक विच वुड बी कॉज पोल्यूशन वैन बर्न द प्रोडक्शन ऑफ न्यू पेन्स टू वुड कॉज पोल्यूशन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आज कल मोस्टली जो हम पेन जो राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सभी प्लास्टिक बॉडीज़ के बचे हैं उनके रीफिल्स तो हम ख़रीदते नहीं हैं पेन ख़त्म हो गया हमने फेंक दिया नया पेन ले लिया इसका मतलब क्या हो रहा है जो पुराना पेन था उसको हमने रीफिल नहीं किया उसकी प्लास्टिक बॉडी को हम वेस्ट में जलाएँगे क्योंकि हज़ारों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं हर रोज़ पेन खरीदे जा रहे हैं और डिस्पोज किए जा रहे हैं और साथ ही में नए पेन बनाने के लिए भी रिसोर्सेज यूज़ होंगे तो इसीलिए पहले लोग इंक पेन्स का यूज़ करते थे जिसको रिफ़िल बहुत इजीली किया जा सकता था तो अब भी हम इंक पेन्स को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक बॉडी जो है कम से कम यूज़ हो इसके अलावा द थर्ड पॉइंट इज़ रीसाइकिल यानी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना वी मस्ट ट्राई टू रीसाइकल एज़ मच एज वी कैन मोस्ट ऑफ़ द रिसाइकल प्रोडक्ट्स आर पेपर प्लास्टिक एट्सेट्रा शुड नेवर बी डिस्पोज्ड ऑफ केयरलेसली दे शुड भी डिस्पोज ऑफ़ एज रिसकलेबल वेस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह जो पुरानी चीज़ें हैं रिसोर्सेज हैं उन्हीं से नई चीज़ें बना लें जैसे पुराना अगर आपके पास कोई क्लॉथ है कपड़ा है कोई साड़ी है जिसको आप अब नहीं पहनते तो उसको रीडिजाइन करके आप पर्दे बना सकते हैं टेबल कवर्स बना सकते हैं ठीक है ना इसी तरह से आपके पास कोई कपड़ा है उससे आप पे क्लॉथ बैग बना सकते हैं अगर पेपर है जो कि न्यूज़पेपर्स हैं उनसे आप पेपर बैग्स बना सकते हैं कैरी करने के लिए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढने हैं कि किस तरह से हम रीयूज रिड्यूस और रिसाइकल करें ताकि प्रॉपरली वेस्ट मैनेज हो या वेस्ट कम क्रिएट हो क्लियर सो चिल्ड्रेन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी आर causing damage to our environment and how we should take steps to reduce this damage otherwise it will be harmful not only for the environment but indirectly it will also harm us now let's go through the catalogue the important terms that we came across in this chapter first is pollution pollution refers to contamination of environment बाई एडिंग सम हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेज इन इट यानी कोई ऐसे uh, विशैले या अननेसेसरी uh, सब्सटेंसेज जब हम प्रकृति में एड कर देते हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन यानी प्रदूषण फॉसल फ्यूल और नेचुरल फ्यूल सच एज कोल और गैस फॉर्म्ड इन जियोलॉजिकल पास फ्रॉम रिमेन्स ऑफिंग लिविंग ऑर्गेनिजम कंटेमिनेशन मीन्स टू मेक समथिंग इम प्योर ग्लोबल वार्मिंग द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ सर्फेस ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाने पर अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ जाना या राइज कर जाना सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर लेट्स लुक ओवर टू दिस पॉल्यूशन इज हार्मुलॉर ऑल लिविंग बींग्स वेरी ट्रू देर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एयर वॉटर लैंड एंड नॉइज वी डिपेंड ऑन एनवायरमेंट फॉर अवर एग्जिस्टेंस हमारा पूरा जिन जीवन जो है वो हमारे वातावरण और प्रकृति पर ही निर्भर करता है एंड लास्ट अर्जेंट मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन शुड भी टेकिन अंडर टेकिन टू कर्प द पल्यूशन यानी पल्यूशन को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे और राइट नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस लेट्स डू द एक्सरसाइजेस फर्स्ट एक्सरसाइज चूज द करेक्ट ऑप्शंस विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन नहीं करता बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल स्मोक फ्राम इंडस्ट्रीज पिलिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर बॉडीज़ वहीकल्स सो ऑयल का पानी में गिरना ये वाटर पोल्यूशन करता है ये एयर पोल्यूशन नहीं करता नेक्स्ट सेकेंड वाटर पॉल्यूशन कॉजिस जॉन्डिस गैस्ट्रो एंटेटिस टाइफॉइड ऑल ऑफ दिज ऑल ऑफ दीज वाटर पोल्यूशन से ये सारी ही बीमारियाँ होती हैं थर्ड नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग फीवर विजुअल एम्पेयरमेंट स्किन डिजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो नॉइज़ पॉल्यूशन से हमें लॉस ऑफ हियरिंग होता है हम सुन नहीं पाते ठीक से ठीक है फोर्थ वन विच पॉल्यूशन कॉजिस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कौन से पॉल्यूशन से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं सो द करेक्ट आंसर इज एयर पॉल्यूशन हवा अगर प्रदूषित होगी वो प्रदूषित हवा अगर हम अंदर लेंगे तो हमारे लंग्स और हार्ट को इफ़ेक्ट हो सकता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा सो एयर पॉल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन फिफ्थ वन ऑलमोस्ट डैश ऑफ अर्थ ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर इज डिस्ट्रॉयड सो फिफ्टी परसेंट आधा पचास प्रतिशत जो है अर्थ का फॉरेस्ट लैंड कवर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स We have to fill suitable words to complete these sentences. So let's take them one by one. First of all, first one refers to the contamination of environment, pollution. Okay, pollution refers to the contamination of environment. Next, second, burning of dash releases gases and harmful e chemicals into air. Burning of fossil fuels. राइट थर्ड वाटर पोल्यूशन कैन बी कॉज बाय डैश एंड डैश फैक्टर्स नेचुरल एंड ह्यूमन सो नेचुरल एंड ह्यूमन दोनों से ही जो है वाटर पोल्यूशन कॉज होता है ठीक है फोर्थ एक्सटेंसिव यूज ऑफ डैश एंड डैश बाय फार्मर्स कॉल लैंड पोल्यूशन एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स सो पेस्टिसाइड्स

थर्ड लैंड पॉल्यूशंस अदर नेम इज सॉयल पोल्यूशन येस वी कैन से दिस दिस इज़ ट्रू बिल्कुल ये सही है फोर्थ नॉइज़ पॉल्यूशन कैन बी कॉज एंड फॉरेस्ट फायर दिस इज़ फॉल्स ये गलत है फिफ्थ व्हीकल्स मस्ट अंडरगो रेगुलर पॉल्यूशन टेस्ट येस बिल्कुल करना चाहिए रेगुलर पॉल्यूशन टेस्ट ताकि व्हीकल्स ज़्यादा पॉल्यूट ना करें हमारे एनवायरनमेंट को so children i hope that you have noted all the answers to these exercises aapko ye sare exercises acche se samajh mein aa gaye honge so with this we come to an end of this chapter i hope that you have understood the concept of pollution किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है और किस तरीके से हम प्रदूषण को रोकें वो भी हमने सीख लिया है तो आप सभी कोशिश करेंगे कि अपने आसपास के वातावरण को कम से कम प्रदूषित करें आंड साथ ही में आप लोग री रिड्यूस और रिसाइकिल को बहुत अच्छे से अपनाएंगे सो विद दिस वी कम टू एंड टू द डे सेशन आई विल मीट यू अगेन सून विद अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू टॉपिक वेयर अगेन वी विल लर्न समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव सो बाय बाय एंड टेक केयर हैव अ वंडरफुल डे अहेड